अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है। अभी कुछ 6 बज रहे हैं, चैप्टर 4 के पडोकिया आ चुके हैं हम, और अब मूड हो रहा है कि हॉट एयर बलून की सैर की जाए। ठीक है भाई, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। और हम लोग 2 बसों में हैं, हमारे साथ ड्राइवर साहब मौजूद हैं, हम शायद आपको नजर ना आ रहे हैं। हाँ, और माशाल्लाह ठंड जो है वो 2 डिग्रीज बाहर का मौसम चल रहा है, और सही में कुल्फियाँ जमी हुई हैं। ऊपर से हमने वजू भी कर लिया था फजर के लिए, तो सोने पे सुहागा। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने ना यहाँ तुर्की के अंदर फिलर के तौर पे हर जगह बहुत खूबसूरत से पहाड़ दिए हुए हैं, जो साइड पे हैं, कुछ वॉल्केनिक से लग रहे हैं। ठीक है, शायद नज़र ना आ रहे हो अभी, तो फौरी आपको आना होगा और देखना पड़ेगा खुद अपनी आँखों से। मगर मजेदार बात यह है कि तुर्की के अंदर 75% ऑफ द लैंड इज माउंटेनस, और 25 जो है हम उसको कहते हैं कि भाई ये है फ्लैट लैंड। ठीक है, मगर इसमें भी इतनी सारी लोगों ने चीज़ें की हुई हैं, और ये पहाड़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने अगर देखा हो प्रिंसेस ऑफ होप, तो बहुत सारी इनने प्रिंसेस यहाँ पे खड़ी की हुई हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। पर मज़े की बात ये भी है कि हर पहाड़ की अपनी खूबसूरत है, आप कभी बोर नहीं होंगे इनसे ना। तो हाँ, पहाड़ों के बीच में से हम निकलते हुए जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो इसके अंदर अभी पैलेट डाल रहे हैं और आग लगा रहे हैं। ठीक है, और ब्लोअर तो मार ही रहे हैं ताकि ये आग थोड़ी सी आगे बढ़े। तो हाँ, अभी इनको इन्फ्लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आग से और जो हवा है उसके थ्रू हॉट एयर बलून, तो हॉट एयर डाल रहे हैं इसके अंदर। अब इन लोगों ने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, सो बिल्कुल लग रहा है हीटर के नीचे बैठे हुए, और हॉट एयर ऊपर वो ऊपर जा रही है और इसको इन्फ्लेट कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग इनके अंदर खत्म हो गई। अच्छा, एक हॉट एयर बलून के अंदर 25 लोग आ सकते हैं। तो हाँ, अभी हम लोग बैठेंगे तो आपको फिर उसकी सैर कराते हैं। और पूरी जगह पे आप देख सकते हैं भरे हुए हैं। ठीक है, पीपल हैव बीन क्या कह सकते हैं, होलसेल में आए हैं लोग। और एक तो हमारे होटल से एक कुछ कपल आया हुआ था, दे वेयर इन देयर वेडिंग ड्रेस। तो एक बेहतरीन फोटोशूट आप मेरी तरफ से भी देख रहे होंगे, टू फॉलो मी, यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एक एक करके वो बास्केट भर रहे हैं, और एक एक पोर्ट में दो दो लोगों को शामिल किया जा रहा है। बहुत ज्यादा क्लीन मुस्तफा, वेलकम माय बोर्ड, स्टैंडर्ड फ्लाइट अबाउट 1 आवर, ओके 10 मिनट्स मोर और 10 मिनट्स लेस, इट डिपेंड ऑन द विंड डायरेक्शन एंड लैंडिंग एरिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इन लैंडिंग टाइम, इफ यू नीड आई से लैंडिंग पोजीशन, ओके व्हाट विल डू, बलून गो दिस वे एवरी टाइम इन माय रोप साइड लैंडिंग। अच्छा भाई, तो हम लोग बास्केट में आ चुके हैं, हमारे साथ नाना मौजूद है। कैसे हैं नाना? हमारे मूड में हूँ, आखिरी एक्सपीरियंस में जा रहा हूँ, और हमें देखने के लिए लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो नाना के लिए इंतजार में सारे लोग खड़े हैं। उस पर ये मीटर लगा है और नीचे। अच्छा भाई, अब हम हवा से लिफ्ट हो चुके हैं, हवा बिल्कुल नीचे है। 2 पायलट्स हैं हमारे साथ और ऊपर हो गए हम, राइट में बाहर हैं। बहुत मज़ेदार हवा आ रही है हीटर की। और हाँ देखो, इसमें इसकी ब्रांडिंग कैसे बनते होंगी, चाइना साउथर्न एयरलाइंस लिखा हुआ इसके ऊपर। तो बस मैं वो एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो भी मैं क्लिप इन कर दूंगा, वो देख लिया। तो भाई बहुत तरीके हैं, हाइट देखें इसकी वहाँ। एक साइड हो जाएगी। हाँ जी, अच्छा तुर्की में मुझे बहुत सारी मजेदार चीजें देखने को मिली हैं, मगर एक मसला है, ये जो देखें हर जगह पे गैस सिलेंडर्स हैं, और अभी कुछ ऐश वैश भी गिर रहा है। तो यहाँ पे अभी रॉकेट चूल्हा आने की अपॉर्चुनिटी भरपूर है, इंशाल्लाह अगले साल अगली बार वो भी देख रहे होंगे नाना। लोगों
तो बार बार उनसे रिपोर्ट दी जा रही है और रिपोर्ट दे रहे हैं क्या कैसा चल रहा है अराउंड दी गए कितने डेज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का सीन लग रहा है नॉवेल भी पढ़ा है लेकिन वो वर्ल्ड अराउंड में ये याद नहीं कौन कौन सी कंट्री देखी तो ये कैपेडोकिया का रेजिडेंशियल एरिया आ गया यहाँ पे स्टैलियन हम कह सकते हैं स्टैलियन आउटलेट है घोड़े दे दिखाओ घोड़े भी देख लें और ये बहुत सारी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि माउंटेन में छेद क्यों है एक तो उन्होंने बताया था कि हाँ जी या तो लोग रहते होंगे या पिजन ग्रेवयार्ड अस्सलाम वालेकुम तो अब हम 6000 मीटर ऊपर हैं ये कोई ड्रोन शॉट नहीं है ये हॉट एयर बलून पे ही है और हाँ तो बस उर्दू के कितने सारे मुहावरे हैं हवाओं में उड़ रहे हैं या हवा से बातें कर रहे हैं तो बस वही चल रहा है और अच्छा और ऊपर जाएंगे चलें तो मोमेंट सबसे बेहतरीन हो गया क्योंकि सनराइज में हमारे सन भी हमारे साथ ही ऊपर आ रहे हैं और हाँ साथ साथ पूरा शहर का बेहतरीन नज़ारा मिल रहा है ये तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब 800 मीटर हम ऊपर आ चुके हैं तो ये नज़ारा वैसे तो आपको जहाज में मिल जाएगा मगर जो ब्रीज यहाँ पे आ रही है हवा और द व्यू वी आर गेटिंग वो तो शीशों से ब्लॉक हो जाता है सो उसमें सारा एक्सपीरियंस है अगर मेरा मोबाइल अभी नीचे गया इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूँ तो फिर वो गया भाई अब तो हमने 1000 मीटर को 1000 मीटर को टच कर दिया और साइड पे एग्रीकल्चर एरिया वहाँ रेजिडेंशियल एरिया यहाँ ड्राइवर साहब अच्छा अब हम नीचे जा रहे हैं और ये बैलेंस करते हुए कि हवा ज्यादा ना ले जाए हमें अपने साथ अल्लाहू अकबर नीचे ही रहने भाई अब उन्होंने हमें एक ट्रॉली पे सेट कर रहे हैं और उसको बांध रहे हैं क्योंकि हवा इसके अंदर भी और उसको छेड़ भी रही है ना तो इस वजह से अब इसको बांध रहे हैं और यहाँ से फिर हम बस पे जाएंगे सो रियली एंजॉयड दिस ट्रिप और सारी चीजें हाईली रिकमेंडेड